फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल टेक्निकल इन्वेंशन। फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिव आइडियाज एंड उससे जुड़े इन्वेंशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माँ सरस्वती का पूजा हमारी स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, जहाँ काफ़ी इंजॉय के साथ साथ हमें अपनी आर्ट्स वर्क को भी प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लाए हैं, जो आप थंबनेल में देख चुके हैं, एक रोटेट चक्र। तो दोस्तों, आज हम दो चक्र बनाएंगे, जो एक गणेश भगवान के सर के पीछे घूमेगा तथा दूसरा उनके उंगली पे घूमेगा। जिसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक जो साइकिल का हब्स है और दूसरा वेयरिंग। तो फ्रेंड्स, इसको इस वेयरिंग का जितना भी ग्रीस है वो हम पूरी तरह से पहले रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बाद में जाम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए, देख सकते हैं वैसे पूरा क्लियर हो चुका है, हमने क्रीज को इसको पूरी तरह से निकाल दिया दोनों से। जिस तरह के चक्र बनाना चाहते हैं, जितने बड़े आप अपने अकॉर्डिंग उसको काट सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने अनुसार इसको काट लिए हैं, जितने बड़े हमको साइज चाहिए। उसके साथ एक पेपर भी काटे हैं ताकि ये ज़्यादा मजबूत बन सके। सारे पार्ट्स को हम अच्छी तरह से ग्लू से चिपका देंगे ताकि ये अच्छे से पकड़ बन जाए और ये काफ़ी मजबूत बन जाए। आप जैसा भी डिज़ाइन चाहे काट सकते हैं अपने अनुसार। हमको थोड़ा बड़ा बड़ा काटना है, क्योंकि हमें ऐसे ही अच्छा लगेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। इस तरह हमने काट के और एक सैंड पेपर से हमने इसको घिस लिया, और ये चक्र बड़ा वाला है जो सर के पीछे रहेगा। तो कुछ इस तरह हमने इस हब को एक पत्ती से वेल्डिंग कर दिया है, और दूसरे को भी आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हम एक पत्ती से इसको वेल्डिंग कर दिया ताकि इसमें मोटर को फिट किया जा सके।
इसमें फर्स्ट में हम ग्लूगन लगाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चिपक के बैठ जाए। उसके बाद हम इसको एक और जो पाइप टाइट होता है उससे हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे से ताकि ये खिसके ना। तो कुछ इस तरह हमारा जो रोटेशन मैशिंग मशीन है वो बन के तैयार है। नेक्स्ट व्हील हब्स को भी हम इसी तरह टाइट करेंगे। फर्स्ट में हम इसको ग्लूगन लगाते हैं और देन उसके बाद हम इसको मोटर को चिपका देंगे और उसके बाद एक और ऐसे आता पत्ती उससे हम इसको भी टाइट कर देंगे। इसमें ग्रिप के लिए जैसे फिसलना नहीं चाहिए इसके लिए हम एक रबर लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमने रबर लगा लिया और एक पुली लगा लिया है मोटर पुली जो इसमें रोटेशन करने में इसको पावर देगा। जैसे ये मोटर 12 वोल्ट का है इसलिए थोड़ा सा ये धीमा घूम रहा है। जैसा भी हो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को रख सकते हैं। तो देख सकते इसके आगे वाले जो शेप से वहाँ पर हम बड़े बड़े चक्र को सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह हमने सेट कर दिया है चक्र को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।